नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिर नॉलेज पे। ONGC के शेयर में एक रिटर्न अभी देखने को मिल सकता है। स्टॉक का प्राइस लगभग 140 के आसपास चल रहा है, 140.60 पैसा। और ONGC के शेयर में कुछ अपडेट्स हैं, तो कोशिश करेंगे जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है ONGC के स्टॉक को लेकर छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, वीडियो को अभी शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिए दोस्तों, रेटिंग जरूर दीजिए, स्नैपसी को सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ONGC में 6 महीने के अंदर 10.16% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। 6 महीने के अंदर 10.16% का गिरावट बना है। 6 महीने के अंदर अगर इसका प्राइस देखते हैं आप दोस्तों, 164 के ऊपर ये स्टॉक जो है 164 के ऊपर ये स्टॉक पहुंच गया था, और यहाँ पे इसने गिरावट बनाया जो कि था 134 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे तेजी देने के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट बनाया। स्टॉक आप देख सकते हैं 120 के आसपास पहुंच गया था, तो 120 से ये स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला है। और अगर स्टॉक हम लोग देखते हैं यहाँ से लगभग जो स्टॉक में 16.25 के आसपास रिटर्न देखने को मिला है, तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 मंथ के अंदर अगर देखते हैं दोस्तों, 1 मंथ के अंदर ये स्टॉक में जो है ONGC के शेयर में 7.04% का जो है रिटर्न देखने को मिला है 1 मंथ के अंदर। एंड 5 डेज के अंदर दोस्तों ONGC के शेयर में जो है 2.85% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 डेज के अंदर भी शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी बना जो कि 2.85% का इसने रिटर्न दिया है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वन डे में स्टॉक में 0.45% का रिटर्न देखने को मिला है। 1 डे में 0.45% का 54% का रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ से स्टॉक अगर देखते हैं दोस्तों, अभी यहाँ से स्टॉक ज़रूर एक बार रिटर्न या बाउंस बैक दे सकता है। फिलहाल अभी जैसे यहाँ पे देखने को लग रहा है, तो यहाँ से स्टॉक एक तेज़ी दिखा सकता है। तो यहाँ पे ONGC के शेयर को लेकर अगर देखेंगे हम लोग, शेयर मार्केट में से देख सकते हैं जो एनालिस्ट है, 71% का मानना है कि ONGC के स्टॉक में बाई करके चली, होल्ड करने के लिए 21% कह रहे हैं, सेल करने के लिए 8% कह रहे हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है, ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि ONGC के स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं। 144 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। और ONGC का प्रॉफिट अगर देखते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिए, रेवेन्यू अगर देखते हैं, जो क्वार्टर इसका रेवेन्यू है, तो एक दमदार रेवेन्यू ONGC ने दिया है। मार्च 2022 क्वार्टर में इसका रेवेन्यू देख सकते हैं 1,55,911 करोड़ का था, और जून 2022 क्वार्टर में वो बढ़ के हो चुका है 1,82,894। प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, तो क्वार्टरली प्रॉफिट में देख सकते हैं इसका जो मार्च 2022 क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो था 10,550 करोड़ का, और जून 2022 क्वार्टर में वो बढ़ के हुआ है 11,937। रेवेन्यू ज़बरदस्त दिया है क्वार्टरली, प्रॉफिट भी ज़बरदस्त दिया है क्वार्टरली। बात करते हैं दोस्तों इसके ईयरली जो रेवेन्यू है ONGC के कंपनी का, तो ईयरली रेवेन्यू आप देख सकते हैं लगभग डबल के पास पहुंच गया था जो कि था 3,60,464 करोड़ का रेवेन्यू, वो बढ़ के हो चुका है 5,31,762 करोड़ का। तो लगभग डबल के आसपास ये पहुंच गया था। और यहाँ पे इसका जो है प्रॉफिट देखते हैं अर्ली, तो प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त दिया है डबल के ऊपर, 16,304 करोड़ से बढ़ के 45,522 करोड़ हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट इसका लगभग जो है डबल के ऊपर देखने को मिला है, और रेवेन्यू जो है ईयरली लगभग डबल के आ। दोस्तों अभी जो Q2 का रिजल्ट आएगा, ONGC का जो Q2 का रिजल्ट आएगा, तो उसमें माना जा रहा है कि एक अच्छा रिजल्ट ये ONGC पोस्ट कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे अगर देखते हैं जो अपडेट देखने को मिल रहा है, उसके चलते बताया जा रहा है कि ONGC का शेयर का प्राइस 154 रुपीज़ तक जा सकता है, 154 रुपीज़ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। और फिलहाल स्टॉक में अभी स्टॉक का प्राइस जो 140 के आसपास चल रहा है, 140.60 पैसे के आसपास जो है, 60-65 पैसे के आसपास ONGC का शेयर चल रहा है। और ये जो टारगेट प्राइस दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है सिक्योरिटीज से, ONGC का जो टारगेट प्राइस दिया गया है 154 का टारगेट प्राइस दिया गया है सिक्योरिटी।
ये सिक्योरिटीज़ जो है एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है उसका देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटीज़ ने जो यहाँ पे बाई कॉल दिया है, यहाँ पे बाई कॉल दिया है ONGC को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि ONGC के नाम पे जाया जाता है, और टारगेट प्राइस दिया है 154। स्टॉक का प्राइस 140.85 के आसपास जा रहा है, तो 154 का जो टारगेट प्राइस दिया है दोस्तों, और मतलब इस टारगेट प्राइस में अगर हम लोग ONGC के शेयर को देखते हैं तो हमें लगता है कि 154 के टारगेट प्राइस के लिए ONGC के स्टॉक में थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है। अगर स्टॉक में आप मतलब ONGC के शेयर में आप ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखते, लगभग 2 से 3 रुपये के आसपास, जैसे कि अभी 140 के आसपास शेयर ये चल रहा है, तो 143 से लेकर 44 के आसपास भी रखते तो लगता है कि बहुत ही जल्दी वो हीट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो एक टारगेट प्राइस दिया गया है उसके चलते आपको थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना पड़ सकता है। तो अगर दोस्तों आप ONGC का शेयर खरीदते हैं तो वो चीज़ आप देखिए, और यहाँ पे जो है बोल सकते कि जो स्टॉक अपने अगर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे ज़रूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि PSU में देखेंगे, गवर्नमेंट इसमें देखेंगे तो बहुत बड़ा कंपनी ONGC, हर साल इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट इसका देखेंगे, रेवेन्यू उसका देखेंगे, तो हर एक चीज़ पे जो ONGC अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, और इस इंडस्ट्री में ONGC एक मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप देखते हैं गैस इंडस्ट्री में तो ONGC मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे होल्ड करने से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई होल्ड नहीं करना चाहते कि ONGC के शेयर में होल्ड नहीं करना चाहते तो 143 से लेकर 44 के आसपास एक टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए। और अभी दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये सब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं आपको जो ONGC का शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जब भी कोई शेयर खरीदते हैं आप बेचते हैं, खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ONGC के स्टॉक में क्या चल रहा है, ONGC में क्या चल रहा है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।